इस बार के बजट में आम आदमी और मिडिल क्लास दोनों को बहुत उम्मीदें हैं। चुनावी साल है इसलिए उम्मीद पिछली बार से थोड़ी ज्यादा है। चुनावी साल में मोदी सरकार किसके लिए क्या तोहफा लेकर आ रही है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। राम राम, मेरा राम राम। हर घर सोलर आ रहा है, हर विश्वकर्मा को सरकार का साथ मिलेगा। हर हाथ को काम मिलेगा। किसानों का सम्मान बढ़ेगा। महिलाओं को नई सौगात मिलेगी। बजट में रेलवे को नई रफ्तार और हेल्थ सेक्टर को लेकर भी प्लान है। राम राम। देश में इस वक्त 100 करोड़ वोटर्स हैं। मोदी इस बजट से करीब 70 करोड़ वोटर को साध लेंगे। बजट में हर क्लास का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फोकस अपर, मिडिल और लोअर हर क्लास पर है। मोदी 2.0 के आखिरी बजट में किसको क्या मिलेगा? क्या बजट महंगाई से राहत दिलाने वाला होगा? क्या बजट से मिडिल क्लास की उम्मीदें पूरी होंगी? क्या बजट में चुनावों के चलते लोक लुभावन योजनाएं होंगी? मोदी 2.0 की हर डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात जान लीजिए। दुनिया जब मुश्किल दौर में है, ऐसे वक्त में भी हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट भी यही कह रही है। IMF के सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी। जबरदस्त घरेलू डिमांड के कारण भारत की GDP सबसे ज्यादा ग्रो करेगी। 24 और 25 में भारत की GDP 6.5% रहेगी। अगर भारत की GDP की चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से तुलना करें तो भारत इन विकसित देशों से कई कदम आगे है। अमेरिका की प्रोजेक्ट GDP रेट 2.1 और चीन की 4.6 है। जर्मनी और रूस जैसे देश तो भारत से बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। चुनाव का समय निकट होता है तब आम तौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। प्रधानमंत्री के भाषण को अगर आप डिकोड करें, मोदी ने बजट से जुड़ी कई बातें क्लियर की। मोदी ने जो कहा पहले उसे समझ लीजिए। मोदी 2.0 का आखिरी बजट अंतरिम बजट ही होगा, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि पूर्ण बजट उनकी सरकार ही पेश करेगी। इस बजट में मोदी के 2047 वाले विकसित भारत के संकल्प की झलक होगी। ये बजट 2024 के पूर्ण बजट के लिए दिशा तय करने वाला बजट होगा। बजट में मोदी की विकसित भारत के 2047 वाले सपने की भी गारंटी मिलेगी। मिडिल क्लास, पिछड़ा वोटर, वंचित और बेघर, गरीब, लाभार्थी और महिला वोटर, ये सब मिलकर मोदी का कोर वोट बैंक बनाते हैं। मोदी अपने बजट में इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं। इस बार भी इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देश के 11.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सालाना
6,000 की किसान सम्मान निधि देते हैं। बजट में ये किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। 6,000 की सालाना किस्त को बढ़ाकर 8,000 की जा सकती है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए के बजट को 70,000 से 75,000 करोड़ किया जा सकता है। इसके साथ ही किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋण का लक्ष्य भी बढ़ाया जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। मनरेगा के वर्तमान अनुमानित 60,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 80,000 से 85,000 करोड़ किया जा सकता है। गरीबों पर प्रधानमंत्री का खास फोकस है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। कोरोना काल यानी कि 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई और मोदी इसे 7 बार बढ़ा चुके हैं। अब तक इस योजना में 5,91,000 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। पीएम गरीब कल्याण योजना को सरकार ने इस अन्य योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया है। ऐसे में अन्य योजना के लिए सरकार लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है। इससे देश के करीब 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा मिलेगी। राम राम। मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत राम से की और राम राम पर ही अपनी बात खत्म की। मेरा राम राम। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब अयोध्या लौट कर आए तो उन्होंने 1 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सूर्योदय योजना का ऐलान किया था। इस योजना में 1 करोड़ गरीबों को सोलर रूफटॉप सिस्टम दिया जाएगा। सूर्योदय योजना के लिए 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र की तरफ से सोलर एनर्जी पर दी जाने वाली सब्सिडी भी बढ़ाई जा सकती है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर सरकार न सिर्फ लोअर और मिडिल क्लास के खर्च को कम करेगी बल्कि इससे भारत एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। अंतरिम बजट में विश्वकर्मा योजना और दूसरी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए भी फंड मिल सकता है। मतलब ये कि अगर मोदी ने गरीबों और किसानों को अपनी ओर कर लिया तो चुनाव में मोदी को इसका बम्पर फायदा मिलेगा। मोदी का वोटर पक्का हो जाएगा। मोदी का पक्का वोटर कौन है? इसका जवाब है मिडिल क्लास। महंगाई की मार सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पर ही पड़ती है। अगर महंगाई की बात करें तो चुनाव से पहले महंगाई के मोर्चे पर देश को राहत मिली है। 2014 में महंगाई दर 6.4% थी जो उतार चढ़ाव के बाद 2023 में 5.6 पर पहुंच गई है। इसके अलावा भी वित्त मंत्री के पिटारे में बहुत कुछ है। चुनाव से पहले वाले इस बजट में मोदी से टैक्सपेयर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अगर टैक्स में राहत मिलेगी तो मिडिल क्लास खर्च ज्यादा करेगा, ज्यादा खर्च से मार्केट में पैसा आएगा और मार्केट मजबूत होगा। देश भर में 52 करोड़ लोग नौकरी या रोजगार करते हैं। IMF का डाटा कहता है कि इनमें से 83% यानी करीब 43 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। उनकी एक बंधी बंधाई इनकम है जिस पर टैक्स लगता है। मोदी इस मिडिल क्लास को बड़ा बोनेंजा ऑफर देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि बजट में टैक्स का स्लैब बढ़ाया जा सकता है। 10 लाख सालाना सैलरी वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हेल्थ पॉलिसी पर मिलने वाली टैक्स छूट भी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही होम लोन के टैक्स दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो इससे रियल एस्टेट का मार्केट भी बढ़ेगा और मोदी का भी। आम आदमी की बात करें और सारे बाजार वालों की बात करें तो सबकी निगाहें होती हैं इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स। तो क्या उसमें कुछ रियायत होती है कि नहीं? क्यों कि अगर वहाँ पे कुछ कटौती या कुछ इंसेंटिव दिया जाता है या जैसे कि स्लैब अब नई सिस्टम में 7 है उसको बढ़ाया गया तो क्या होगा, एक आम आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी। अब डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचती है तो वो स्पेंड करेगा और उसकी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन अभी नहीं है। हमारी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पहलू है कि हमारा लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड इकोनॉमी है। तो अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो भी हमारी GDP बढ़ती है, एक्सपैंड होती है और GDP ग्रोथ है वो भी हायर आ सकता है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ी रियायत दे। 49% यानी करीब 48 करोड़ महिला वोटर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी पहले से ही हाई है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम और महिला आरक्षण बिल पास करके मोदी अपनी पॉपुलैरिटी पहले ही बढ़ा चुके हैं। मोदी ने अपने संबोधन में भी महिलाओं का जिक्र किया। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए कुछ बड़ा फैसला करने वाली है।
पिछले 10 सालों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर 30% एलोकेशन बढ़ा है। 2023-24 के बजट में महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की थी। इस बार महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और कौशल विकास योजना भी संभव है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 12,000 तक की जा सकती है। मनरेगा में भी महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय का ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ महिलाओं को ब्याज रहित लोन की पेशकश भी की जा सकती है। सरकार गरीब और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए रेलवे का बजट भी बढ़ा सकती है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया है। बीते 5 साल में रेलवे का बजट आवंटन करीब 4.5 गुना बढ़ा है। पिछले साल रेलवे के हिस्से में 2.4 लाख करोड़ रुपए आए थे। इस बार यह आंकड़ा 3 लाख करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का प्लान मार्च तक स्लीपर वंदे भारत को पटरी पर उतारने और अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर मोदी सरकार अपनी नई नीति लाने वाली है। मोदी सरकार का सपना है 2024 में हर घर इलेक्ट्रिक कार पहुंचाने का। 2023 में सरकारी सब्सिडी मिलने के कारण मार्केट में 46% की ग्रोथ हुई। अगर ग्रोथ बढ़ानी है तो फिर सरकार को सब्सिडी भी बढ़ानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करना होगा। इन दोनों ही काम के लिए सरकार को एक बड़े बजट की जरूरत होगी। ई व्हीकल्स को लेकर भी बजट में ऐलान हो सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र सरकार का ये बजट आम लोगों की झोली भरने वाला और मोदी के सियासी सपने को पूरा करने वाला होगा।